देखा होगा सोशल साइट पे जो बच्ची का फोटो वायरल हो रहा है, इनकी भतीजी हो और मुख्यमंत्री पुष्कर तमीज ने ये बात कही थी कि इनको मैं गोद लेता हूँ इस बच्ची को। स्थिति क्या है इन्हीं से पूछते हैं, क्या क्या हुआ उन्होंने नियम संतपूर्ण परंतु मैं चीज गोद ले रहा पर अभी इलाज पड़ते थे बिल्कुल लापरवाही हुआ वो तब यार डिस्चार्ज कर दिया वो नानी हो तो मुरादाबाद जाना इलाज कर कि वक्त प्राइवेट हम देखो ना जब 3-4 दिन भोपाल में कि ठीक है इलाज करना तो कोई सीटी स्कैन है ना कुछ पहले फर्स्ट में बोल कहा तो एक सीटी स्कैन की इंटरनल ब्लड जल रहा है फेफड़ों में बाद में अब एक्सरे करे बोल में कि ठीक से तो पता नहीं ठीक बात की जान वालों बैंक जो अदर मरीज भी एक हमारे ताऊ की लड़का से वो तो आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अभी लग रहा है कि 4-5 बजे तक वे तो डिस्चार्ज कर देना अभी हालत में यहाँ से बैंक बहरा दिखाओ कुछ और भीतर कुछ और ट्रामा सेंटर है हेडवल में वर्क बल्कि तुम धर्मशाला समझ रहे हो। अच्छा, तो देखिए जिस बच्ची को गोद लेने की बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने हमारे, उसका ट्रीटमेंट भी अभी कुछ अंधेरा सा ही लग रहा है कि सही नहीं है। जैसे यहाँ पे भाई उनके चाचा ने कहा कि अभी कुछ सही नहीं लग रहा है और बच्ची को अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सारी बातें ये कैमरे पे बता रहे हैं उन कैमरा, तो ये सारी चीज़ें धरातल ग्राउंड जीरो पे जाके हम पता करते हैं। आज हम बिरकेत गांव में आए थे, उस सोकुल परिवार में आए थे जहाँ पे इन्होंने अपने बड़े भाई और भाभी को खो दिया। दुख है पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो शिवांशी की दादी को दिखा रहा हूँ मैं कैमरे पे और इनकी पोती जो इस समय एडमिट है ऋषिकेश एम्स में। अच्छा डिस्चार्ज कर लिया है वहाँ से और कन कन वाचा इलाज ना थी कुछ बोल चुन की ठीक कह रहा मतलब कन कह रहा एक्सरे खींच बोल पहले जरा अच्छा मुख्यमंत्री जी जन बोलना चाहिए कि हम गोद ले दू नहीं था तो तुम भी कोई मतलब लिखित में या कोई बात कुछ नहीं आया सिर्फ मतलब सिर्फ ये सोशल मीडिया पर चलो चर्चा ना ये चीजें सामने निकल के आ रही है। तो अगर वही था गोद जन बात आम है कि गोद ले ला तो क्या आप बोल सकते हो ये बारे में वही खर्चा पानी में मुख्यमंत्री जी तो दिन लगे वाला बैंक हम से ताल जो लगे थे जी वही खर्चा पानी में लगे लाल में थे जी अब माँ बाप वही कच्चे नहीं थे तो खर्चा कदा चाहिए बच्चा खान सारा जीवन करना का जी जी जब तक वो आप हाथ खुट पर खड़ा नहीं हो तब तक बहुत परेशानी च एक बूंद माँ पर नौकर नीचे छठ मर नौकर कैरी का गुजर कर मरा सुख शांति नहीं रहा एक नौकरी लग गई तो खानी नहीं दिया। देखिए वो माँ है ये जिन्होंने बेटा और बहू को अभी हाल ही में खोया है, माँ का दर्द क्या होता है ये समझा जा सकता है और माँ पे क्या गुजरती है, क्या बीत रही होगी, कैसे दिन और रात काट रही होगी और कैसे निवाला निकल रही होगी, ये चीजें देखने वाली बात है। तो ये भगत जन प्याल दलीप राव जी आए चाहे कुछ बोल चो हमारे विधायक साहब पता नहीं उन्हें हम 2 दिन फॉर्म भरे तो जे जे को हाल हो वो साइन कराए के जा रहे तो पता नहीं अब देख लग क्या करूं कुछ पता नहीं चल रहा था अभी कुछ पता नहीं चल। अच्छा अच्छा तो देखिए कल विधायक साहब भी दौरे पे थे क्षेत्र के और इस परिवार से मिलने के लिए भी आए थे, कुछ फॉर्म भर के निकल गए थे तो देखते हैं क्या होता है। तो बाबू जी हमारे साथ मौजूद हैं जिस गांव में हम आए हैं और यहाँ पे जिस परिवार ने बहू और बेटा खोया है उनकी लड़की की स्थिति क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम बाबू जी के पास आए हैं। तो बाबू जी क्या स्थिति है उस बच्ची की? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप गांव में घर घर जा कर के लोगों से ये पता कर रहे हैं कि जिस दुखद घड़ी में सबका साथ दे रहे हैं। एम्स में ट्यूबलर की भर्ती थी और भर्ती के बाद उसकी नानी उसके साथ में थी तो बताया गया कि ट्रामा सेंटर की जो हेड है वहाँ पे एम्स में
वो वहाँ कह रही हैं कि आप लोग अपने घर जाइए और उनसे कह रहे हैं कि इनको डिस्चार्ज करिए, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं बनाया गया है, आप लोग घर जाएं अपने। और कई उस लड़की को भी जो कि मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया था जिस लड़की को, उसी को उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है जी, और पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो अन्य लोगों के क्या हाल होंगे जी? जी, अन्य लोग भी यहाँ पर वहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके पांव अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे, पांव पर टूटे हुए हैं, गर्दन मुड़ी हुई है, उनको भी डिस्चार्ज कर रहे हैं कि आप जाएं और अपने घर ले जाओ, इनको कहीं भी ले जाओ जी, जी। यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारी एम्स उत्तराखंड के लिए बनाया गया था, इस एम्स को यहाँ पे दिया गया है और वहाँ हमारे उत्तराखंड के लोगों की इस दुर्घटना में साथ नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, इस एम्स का हमें क्या फ़ायदा है जी, जी। नाम मात्र का केवल गढ़वाल को दिया गया है और गढ़वाल में दिया गया उस रिस केस में, किंतु वहाँ इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, लोग सारे परेशान हैं। कई लोगों के फोन आ रहे हैं वहाँ से कि यहाँ तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, देखभाल नहीं हो रही है, इनको डिस्चार्ज करने पे कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, जाइए आप यहाँ से। तो ये बहुत दुखद बात है। हमारे बलोनी जी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस प्रकार की घटनाओं में अगर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा इस प्रकार के लोगों को, तो बेकार है, वो एम्स ही हटा दिया जाए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं हमें। जब ऐसे लोगों की, हमारे लोगों की जब उनकी चिकित्सा अच्छी प्रकार से न की जाए तो क्या फ़ायदा है हमें। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पर्वतीय क्षेत्र का जो यहाँ विभाजन है, यहाँ मैदानी क्षेत्र के हिसाब से तो कानून बनते हैं, लेकिन विकास जो है मैदानी क्षेत्र के हिसाब से नहीं किया जाता है। जनसंख्या का आधार हर जगह लिया जाता है, लेकिन विकास जिस प्रकार से नीचे प्लेन्स में किए जाते हैं, उस प्रकार पहाड़ों में विकास नहीं होता है। यहाँ सड़कें इतने कमजोर, इतने वो की गई हैं कि 3 फुट 3.5 फुट चौड़ी सड़क पर डामर किया है, उसके बाएं दाएं तरफ तो घास जम जाती है, रोड नहीं दिखाई देती है, पास देने के लिए सड़कें नहीं होती हैं। तो उन कम से कम पार्वतीय क्षेत्र में कम से कम 5 मीटर चौड़ी सड़क पर डामरीकरण होना चाहिए, जिससे कि गाड़ियों का आना जाना सही हो सके। साथ में यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की हमारे उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार को इस समय, जबकि भाजपा की सरकार है, तो इन दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाकर विधानसभा में MLA की सीटों को बढ़ा करके पर्वतीय क्षेत्र का जो परिसीमन है वो क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो या विधायक का हो, जिससे कि यहाँ का विकास हो सके। आज इतना बड़ा एरिया है कि विधायक अपने क्षेत्र में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जनसंख्या के आधार है, एक दिन 2 विधायकों का एक ही क्षेत्र बन पाएगा तो कौन देखेगा, पर्वतीय क्षेत्र तो ऐसे ही सुन्न हो जाएगा। इस पर्वतीय क्षेत्र को विकास के लिए कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि विधायक को अगर मैदानी क्षेत्र में अपने शहर में 10 गलियां अगर चाहिए तो उसको क्या मतलब, पर्वतीय क्षेत्र में तो सारा विकास खंड एक गली के बराबर जनसंख्या नहीं होती, तो छूट जाएगा यहाँ का विकास सारा। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का आधार नहीं, जिस प्रकार हिमाचल के आधार पर इस पर्वतीय उत्तराखंड को बनाया गया था, उसी आधार पर पर्वतीय क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, या पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष फंड का वो होना चाहिए, उसमें राज्य में स्पेशल बजट रखना चाहिए जिससे यहाँ का विकास हो सके। नहीं तो पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल जंगल बन चुके हैं और आदमी यहाँ से सारे पलायन कर चुके हैं। यदि विकास चाहिए कि छोटे जिले भी बनाए जाएं, यहाँ छोटे छोटे जिले, बड़े विकास खंड जो उनको 2-2 विकास खंड बनाए जाएं, बड़े जिले जो हैं जैसे पौड़ी गढ़वाल में 113-114 ग्राम सभाएँ हैं, हरिद्वार में 25-26 ग्राम सभाएँ हैं, तो वहाँ छोटा जिला वो जिला है, तो यहाँ भी जो जिला बनाए उसके 2-2 जिले बनने चाहिए और वो जिले पर्वतीय क्षेत्र में ही बनने चाहिए, न कि मैदानी क्षेत्र में, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों को बेरोजगार मिल सके। जयप्रनंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।